तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन, कॉनिक सेक्शन। तो उससे पहले कुछ प्रॉब्लम ले लेते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज 11.2 की है बेटा। 11.2 का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब द रेक्टेंगल हूज साइड्स आर दिस दिस एंड दिस दिस। यानी कि एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जो एक रेक्टेंगल के ऊपर बना हुआ है, यानी कि रेक्टेंगल को सर्कमस्क्राइब करता है, रेक्टेंगल उसके अंदर है। एक्सरसाइज 11.2 का 6 क्वेश्चन। तो एक रेक्टेंगल है जो सर्कल के अंदर बनी हुई है, ठीक है ना। फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल सर्कमस्क्राइब रेक्टेंगल्स हूज साइड्स आर गिवन बाई 2x - y + 3 = 0। 2x - y, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, 2x - y + 3 = 0, 2x - y - 4 = 0, x + 2y - 1 = 0 और x + 2y - 2 = 0। तो इसमें एक तो सबसे पहले जो ध्यान रखने की बात वो ये है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट बता देता हूँ एक बार दोबारा। एक सर्कल की इक्वेशन निकालनी जो सर्कमस्क्राइब है एक रेक्टेंगल के, यानी कि रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को, रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को टच करके जाता है सर्कल, उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है आपने, ठीक है ना। इस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, रेक्टेंगल के चारों वर्टेक्स को टच करके जाता है। तो रेक्टेंगल की साइड गिवन है यहाँ पर, तो अब इसमें मैंने फर्स्ट साइड यहाँ पर लिख दी, फर्स्ट साइड की इक्वेशन। सेकंड साइड जो है ये दे रखी है, तो इसको मैं यहाँ ना लिख कर यहाँ लिखूँगा बच्चों 2x - y - 4 = 0। ये दोनों लिख दी मैंने, अब ये दोनों यहाँ पर कहीं पर भी लिख सकता हूँ मैं। एक मैंने यहाँ लिख दी इस साइड, एक यहाँ लिख दी x - 2y - 1 = 0 और दूसरी यहाँ पर लिख दी x + 2y, ये भी प्लस 2y है, x + 2y - 2 = 0। यानी कि देखो उन्होंने ऑर्डर से दे रखी थी ये साइड, यानी कि पहले ये लिखी हुई थी इक्वेशन, कोमा लगा करिए एंड लगा करिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बेटा, फोगाट गुड मॉर्निंग। तो मैंने क्या किया, देखो एक इक्वेशन यहाँ लिखी, दूसरी इक्वेशन यहाँ ना लिखते हुए इसके सामने लिखी। उसका रीज़न ये है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, और पैरेलल साइड की, पैरेलल लाइन की इक्वेशन आप जानते हो, x1 यानी कि a1 / a2, b1 / b2, ≠ c1 / c2 होता है उनमें। xy तक जो कोफिशेंट है वो प्रोपोर्शनल भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। तो ये दोनों पैरेलल हैं बच्चों आपस में, और ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये आपने आमने सामने ही लिखनी है। अगर इधर उधर लिख दी हमने ये तो गलत हो जाएगा, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी है। और अब इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, इस क्वेश्चन में कोई भी एक डायगोनल के वर्टेक्स निकाल लो आप, और फिर डायमेट्रिक फॉर्म लगाकर सर्कल की इक्वेशन निकालेंगे। तो इस डायगोनल के वर्टेक्स निकाल दिए मैंने, इस डायगोनल के कैसे निकलेंगे देखो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे ये पॉइंट आ जाएगा, और इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ये पॉइंट आ जाएगा, यानी कि फिर क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाएगा। और ये पॉइंट निकालने के लिए यूज करेंगे 10th क्लास का कंसेप्ट एलिमिनेशन मेथड। जब दो इक्वेशन आपको दे रखी हूँ, तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करता हूँ मैं। ये है 2x - y - 4 = 0, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 2x + 4y - 2 = 0, सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, -, ये कैंसिल हो गया, -5y, और ये आ जाएगा प्लस का साइन है, ये -2, 4 है, -2 बच जाएगा राइट में जाकर +2, तो y की वैल्यू आ जाएगी -2/5। कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा आप, y की वैल्यू आ गई -2/5। y की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम, ये है 2x और +2/5, -4 राइट साइड में 0, तो ये हो गया -20 - 20 + 2, यानी कि -18। 2x = 18/5 और 2 से डिवाइड करेंगे 9/5, तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 9/5। ठीक ऐसे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे,
इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा, तो इसको दो से मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं नीचे वाली को, तो ये आ जाएगी 4x माइनस 2y और प्लस 6 राइट में 0, और लोअर पार्ट में ये रख देंगे x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, ये कैंसिल हो गया, 5x 6 माइनस 2 आ जाएगा 4 और राइट में 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 4/5। अब x की वैल्यू माइनस 4/5 यहाँ पुट करेंगे, देखो x की वैल्यू माइनस 4/5 यहाँ पर पुट करेंगे, माइनस 4/5 प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2y की वैल्यू आ जाएगी 4/5 प्लस 2, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस 4 14 और 2 से डिवाइड करेंगे 7/5, तो 7/5 तो y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू माइनस 4/5 आ गई। तो कैलकुलेशन चेक कर सकते हो बेटा, मेथड मैंने बता दिया आपको कि नहीं, इन दो इक्वेशन को सोल्व करेंगे ये पॉइंट आ जाएगा, इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे ये पॉइंट आ जाएगा, और उससे भी पहले ज़रूरी है कि जो इक्वेशन है रेक्टेंगल की साइड की वो प्रॉपर वे में लिखी जाएं, मतलब ऐसा मत कर देना ये इक्वेशन यहाँ लिख ली और दूसरी इक्वेशन यहाँ लिख ली, एडजेसेंट साइड मत बना देना, ये पैरेलल साइड की इक्वेशन है, ये आपस में पैरेलल हैं, तो ये आपस में आमने सामने हो और ये आपस में आमने सामने हो, बेशक से इन दोनों को जो ग्रीन वाली लिख रखी मैंने वो यहाँ लिख देना, ब्लैक वाली यहाँ लिख देना, लेकिन लिखनी अपोजिट में है, एक दूसरी के अपोजिट में होनी चाहिए ये इक्वेशन। अब सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए रेक्टेंगल का कोई काम नहीं है यहाँ पर, रेक्टेंगल अपना काम कर चुकी और ये साइड भी अपना काम कर चुकी, अब केवल काम बच गया डायमीटर का, तो अब डायमीट्रिक फॉर्म लगा देंगे हम, डायमेट्रिक फॉर्म है एक्स माइनस एक्स वन, ये है एक्स माइनस एक्स वन और एक्स माइनस एक्स टू यानी कि एक्स प्लस 4/5 प्लस वाई माइनस वाई वन, ये वाई वन है अपना ये वाला और वाई माइनस वाई टू, वाई माइनस 7/5 इक्वल टू 0। कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हो भाई, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है अपना 11th चैप्टर का बी पार्ट, कॉनिक सेक्शन। तो बेटा प्रीवियस चैप्टर में 10th चैप्टर में हमने पढ़ा स्ट्रेट लाइन और उसकी इक्वेशन, 11th के ए पार्ट में पढ़े हमने वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, ठीक है ना, और अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कुछ कर्व के बारे में पढ़ेंगे, कुछ कर्व जिनकी एप्लीकेशन वाइड रेंज पर है बेटा, ऐसी कर्व पढ़ेंगे जिनकी एप्लीकेशन वाइड रेंज पर है, और सारी एप्लीकेशन तो हम जानते भी नहीं, लेकिन जो कोई भी बच्चा पर्टिकुलर किसी फील्ड में जाएगा तो उसको काम जरूर आएंगे वो कॉनिक सेक्शन की एप्लीकेशन। तो भाई वो जैसे कि प्लेनेटरी मोशन में डिजाइन ऑफ टेलीस्कोप एंड एंटीनाज, उसके बाद रिफ्लेक्टर ऑफ फ्लैश लाइट एंड ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स, यानी कि कुछ एप्लीकेशन में मैंने बताई आपको, और वैसे बताया कि वाइड रेंज में उसकी एप्लीकेशन होती हैं बहुत सारी जो फिलहाल अपने सामने नहीं आई, कोई बच्चा पर्टिकुलर फील्ड में जाएगा उसको पता चल जाएगा इसका। तो अपना काम क्या है यहाँ पर, इन कर्व्स के बारे में पढ़ना, और ये कर्व जानी जाती है बेटा कॉनिक, सिंपल कॉनिक्स और कॉनिक सेक्शन, सिंपल कॉनिक और कॉनिक सेक्शन, जिन कर्व की मैं बात करने लग रहा हूँ आपके सामने वो कर्व क्या है, कॉनिक्स और कॉनिक सेक्शन। अब देखो क्या है कि जैसे अपने पास एक सिलेंड्रिकल कोन होता है, सिलेंड्रिकल डबल सिलेंड्रिकल कोन, अपने पास डबल सिलेंड्रिकल कोन होता है बेटा, डबल सिलेंड्रिकल कोन, जैसे मैं अभी सिंगल बना देता हूँ और डबल को आप समझ लेना कैसा होता है,
ये है, जैसे देखो ये है कोण, और डबल क्या हो जाएगा, जितना इस तरफ है उतना ही नीचे, मतलब दूसरी साइड भी इसी टाइप का सेम, जैसे ये है आपके सामने, ये इस टाइप का है यहाँ पर ऊपर, तो नीचे भी ऐसे ही हो जाएगा। तो मैं बोर्ड पर बना देता हूँ इसको, ये है भाई डबल कोण, ठीक है ना, डबल सिलेंड्रिकल कोण। अब इसमें जो है, इसके कुछ पार्ट मैं समझा देता हूँ आपको बेटा हाईलाइट करके। ये तो है इसका वर्टेक्स, इसको बोलते हैं वर्टेक्स, वी से डिनोट कर सकते हो आप, ठीक है ना। और ये जो लाइन है ये रेड वाली, ये है इसकी एक्सिस, ये जो रेड वाली लाइन है ये है इसकी एक्सिस, ठीक है ना। और ये जो है ये लाइन, ये है जनरेटर लाइन, जनरेटर लिखा है मैंने, जनरेटर लाइन। जनरेटर क्यों है, क्योंकि ये ही ऐसे घूम घूम कर इसने बनाया है इसको, ये जो है ये है अपर नेपे और ये है लोअर नेपे। अच्छे से पढ़ लीजिए बेटा इसको एक बार, ये जो है ये परपेंडिकुलर बनाती है इसके ऊपर, नॉर्मल भी बोल सकते हो आप, मतलब बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाती है, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल ऐसे। तो जनरेटर लाइन क्यों कहा गया इसको, क्योंकि इस लाइन ने जैसे रिवोल्व होकर ऐसे ये आकृति बनाई है, रिवोल्व होकर ऐसे इस लाइन ने, ये जनरेटर लाइन है देखो, ये इस लाइन ने रिवोल्व होकर इस एक्सिस के चारों तरफ, जैसे एक्सिस ये है इसके चारों तरफ ये जनरेटर लाइन है, जो मार्कर मैं दिखाने लग रहा आपको, मार्कर ये जनरेटर लाइन है, ये एक्सिस है। तो इस एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घूमकर, इसने क्या बनाया है, इस कोन को बनाया है। तो ये क्या है, जनरेटर लाइन, और ये फिक्स्ड पॉइंट है वर्टेक्स, यानी कि ये एक्सिस है और यहाँ पर बीच में इसके साथ फिक्स होकर ऐसे चारों तरफ, इसके ऐसे चारों तरफ घुमाया है, तो ये जनरेट हो गया एक डबल कोन। ये अपर नेप पे, ये लोअर नेप पे, और ये परपेंडिकुलर नॉर्मल लाइन है, यानी कि एक्सिस जो बिल्कुल सीधी थी 90 डिग्री के एंगल पर। तो अब बात करते हैं कॉनिक सेक्शन की, वो क्या होते हैं। देखो सिंपली क्या होता है बेटा, एक प्लेन, और कॉनिक के इंटरसेक्शन से जो हिस्सा बनता है ना, उसको ही कॉनिक्स बोलते हैं या कॉनिक सेक्शन बोलते हैं। जो सेक्शन बनता है उसको कॉनिक सेक्शन या फिर बोलते हैं कॉनिक्स। तो वो कैसे बनता है मैं बताऊं आपको, जैसे कि अपने पास एक कोण है, अगर मान लीजिए अपने पास कोई कोण है, अगर स्कूल खुले होते तो बेटा मेरे पास वुडन आर्टिकल हैं ये इस तरीके के, मैं आपको दिखाता क्लास में,
लेकिन यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि उनको दिखाने के लिए एक हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है, साथ में किसी स्टूडेंट की पकड़ने के लिए। तो फिलहाल मैं इससे काम चला लेता हूँ। देखो ये जैसे कोन है, आप कोन समझ लीजिए, डबल कोन है ये, नीचे भी है ऐसे, सिर्फ खुला ऐसे, मतलब जैसे ऊपर यहाँ पर ये वर्टेक्स हो गया जहाँ पर मैंने पकड़ा है, ये वर्टेक्स हो गया, ठीक है ना, और ऐसे ही नीचे है फिर वो, जैसे बोर्ड पर दिखाई देने लग रहा है। अब एक प्लेन आएगी, ये प्लेन आई, जैसे ये प्लेन है, देखो ये क्या है, प्लेन। तो प्लेन जो आएगी इसको कट करेगी ऐसे, कट, ठीक है ना, इस तरीके से काटेगी इसको। अब अगर वो बिल्कुल पैरेलल चल कर आती है, मतलब जैसे वो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर कट करती है, मतलब ये प्लेन जो है ना एक्सिस के साथ अगर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये जो कटेगा ऊपर से अपर नेपे कटेगा केवल, मतलब जैसे प्लेन आएगी इसको ऐसे कट करेगी, इसके ऊपर ऐसे कट लगाए, जैसे ब्लेड से कट लगा दूँ मैं यहाँ पर, तो इसको कट करेगी वो प्लेन। इसको कट करने के अब अलग अलग डायरेक्शन है अपने पास, मतलब इसको आप ऐसे झुकाकर भी कट कर सकते हो, ब्लेड को बिल्कुल सीधा चला सकते हो, थोड़ा तिरछा इंक्लाइंड करके चला सकते हो। तो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर अगर ये कट करेगा, जैसे एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाकर, तो ऐसे कट करने से मैं बताऊँ आपको क्या हो जाएगा। देखो ऐसे कट करेगा बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर आकर, तो ये कोनिक जो है ऊपर से ये हिस्सा बच जाएगा इसका। देखो ये दिखने लग रहा है आपको, ये हिस्सा, और ये आप जानते हो क्या बन गया, सर्कल। तो ये बेटा पहले आ गया सर्कल, ठीक है ना। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, सर्कल, मतलब जो इसका सरफेस बना है ना, ये जो सरफेस बना है इसका कट करने के बाद, इस सरफेस को हम कोनिक सेक्शन बोलते हैं, कोनिक का सेक्शन हो गया ये, ठीक है ना। और ये सेक्शन जो है ये क्या बन गया, सर्कल। अगर केवल अपर नेपे को कट करेगा 90 डिग्री पर ऐसे चलकर, तो ये सरफेस क्या बन जाएगा, सर्कल। अगर ऐसे इंक्लाइंड झुककर ऐसे कट करेगा, ऐसे झुककर कट कर दिया, तो क्या बनेगा, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। तो वो मैं बता देता हूँ एक बार, इसको एक बार कंस्ट्रक्ट करके। ये जैसे आप देखो बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर अगर कट करेगा, तो ऊपर क्या बन जाएगा, एक बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर कट करेगा, तो ऊपर मैंने अभी दिखा आपको सर्कल बनेगा, और थोड़ा से झुककर कट करेगा। देखो झुककर अगर कैसे कट करेगा, इंक्लाइंड होकर स्लाइटली, तो इस तरीके का ये ऊपर ऐसे फेस बन जाएगा इसके ऊपर। देखो अगर ऐसे प्लेन इसको इनक्लाइंड होकर कट करेगी ऐसे, इस तिरछा यानी कि इसको बचाते हुए, तो ये बन जाएगा इलिप्स। सेकंड केस में क्या बन जाएगा, इलिप्स। थोड़ा सा झुककर अगर कट करेगा प्लेन ऐसे तिरछा इनक्लाइंड होकर एक्सिस के ऊपर, उसके बाद अगर थोड़ा सा और इनक्लाइंड हो जाए, मतलब इसके पैरेलल हो जाए, जैसे इसके पैरेलल चीर दे हम इसको, इस जनरेटर लाइन के पैरेलल अगर इसको चीर दिया जाए, कट कर दिया जाए, तो यहाँ पर बन जाएगा ऐसी फिगर बन जाएगी इसके ऊपर। आप स्कूल में आएंगे तब मैं ये आपको करके दिखाऊंगा, ऐसा डायग्राम सा बन जाएगा। देखो मतलब ऊपर ऐसा कट लग जाएगा ऐसे, अगर जनरेटर, ये जनरेटर लाइन है, इसके पैरेलल चल कर अगर कट करें हम इसको प्लेन से, तो जो कटा हुआ ऊपर सरफेस बनेगा सेक्शन, वो किस टाइप का बनेगा, पैराबोला बोलते हैं उसको, पैराबोला बन जाएगा वो, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा इंक्लाइंड करके कट करें तो क्या बनेगा, ऊपर से जो कट हो जाएगा ये मैं दिखा सकता हूं यहां पर, देखो
ये देखो सरफेस, आप इसका सरफेस देखिए बेटा ऊपर से, मतलब जो हिस्सा कट गया ना वो क्या बन गया, देखो एलिप्स बन गया ये। ये जो मैंने यहाँ पर डायग्राम बना रखा है, ये ऊपर वाला जो सरफेस है ये है सेक्शन, कॉनिक सेक्शन, और ये क्या बन गया एलिप्स, इसको एलिप्स बोलते हैं, एलिप्स ऐसे इस तरीके से या फिर इस तरीके से ये एलिप्स बन गया, ये कट जाएगा यहाँ से ऐसे तिरछा करके इनक्लाइंड करके अगर कट कर लगाते हैं तो, और बिल्कुल इतना इनक्लाइंड कर लेते हैं कि इसके पैरेलल कर लेते हैं उस प्लेन को, इसके पैरेलल देखो इस जनरेटर लाइन के पैरेलल, और फिर कट करते हैं तो ये हिस्सा बन जाएगा, इसको पैराबोला बोलते हैं, ये हिस्सा मतलब ऊपर का जो सरफेस आएगा ना वो इस टाइप का आएगा। लेकिन ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला ना कटने पाए, क्योंकि इसके पैरेलल चल कर करेंगे तो ये कट जाएगा। आए समझ में? देख लेना बेटा एक बार, 90 डिग्री के एंगल पर कट करेंगे तो ऊपर एक सर्कल बनेगा, और इसके पैरेलल यानी कि थोड़ा सा इंक्लाइंड करके कट करेंगे तो ये हिस्सा बनेगा, इस कोनिक के ऊपर वाला सरफेस जो कटा हुआ मिलेगा आपको, ये मिल जाएगा एलिप्स। और बिल्कुल जर्नेटर के पैरेलल कट करके करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, पैराबोला। तो बच्चों सिंपली क्या है, डबल कोन है अपने पास, मान लीजिए डबल कोन है, ये डबल कोन है, इस डबल कोन को हमने एक सरफेस से कट लगाना है इसके ऊपर, और कट लगाने के बाद जो इसका ऊपर का सरफेस बनेगा, जैसे इसके ऊपर कट लगा दिया मैंने तो ऊपर सरफेस बनेगा, जैसे ऊपर सरफेस फिलहाल ये है, ऊपर वाला सरफेस ये है, जैसे इस कागज का ऊपर वाला सरफेस ये है, ये है, तो मैंने इसमें कट लगा दिया, मान लो ये कट लगा दिया मैंने इस तरीके से कट लगा दिया, तो अब ऊपर वाला सरफेस ये बन गया देखो, तो यही सरफेस क्या कहलाते हैं, कोनिक्स। और जो कट लगाने के अलग अलग तरीके हैं, आप कैसे भी कट लगा सकते हो, वो अलग अलग तरीके लगा से कट लगाने के बाद अलग अलग सरफेस बनेंगे, ये तो कॉमन सेंस की बात है। तो बिल्कुल ऐसे कट लगा दिया सीधा सर्कल बन जाएगा, और थोड़ा सा इंक्लाइंड होकर कट लगा दिया तो ऊपर वाला सरफेस ये बन जाएगा, इसको एलिप्स बोलते हैं। और अगर और इंक्लाइंड कर दिया इनके इस जनरेटर लाइन के पैरेलल चलकर कट लगा दिया तो ऊपर वाला सरफेस ये बन जाएगा इस कागज का, यानी कि इस कोन का, इसको पैराबोला बोलते हैं भाई। और अगर और इंक्लाइंड कर दिया तो और इंक्लाइंड करोगे तो दोनों को कट करेगा फिर ये सरफेस, दोनों को, वो जो सरफेस है कट किया बिल्कुल इंक्लाइंड करके कट किया तो अपर नेपे और लोअर नेपे दोनों को कट कर जाएगा, वो बन जाएगा हाइपरबोला। हाइपरबोला का डबल केस होता है, जैसे ऊपर वाला ये हो गया, नीचे वाला हिस्सा ये बन गया, ऊपर कट लगाया तो हमने एक हिस्सा ये बन जाएगा, मतलब ऊपर सरफेस, और नीचे वाले को कट करेगा तो ये बन जाएगा, एक बारी में ही दोनों को कट कर जाएगा, प्लेन ऐसे झुकाकर कट करेंगे तो दोनों को, अपर नेपे लोअर नेपे दोनों को कट कर जाएगा तो ये बन जाएगा हाइपरबोला। ये है हाइपरबोला। तो अपने पास हो चुका, देखो सर्कल हो चुका, दूसरा एलिप्स हो गया था, और तीसरा पैराबोला हो गया था, और चौथा हो गया था हाइपरबोला, और पांचवा जो है बच्चों, अगर ये लाए, अगर जो अपनी सरफेस है वो जनरेटर लाइन के अलोंग इसको कट करेगा, जनरेटर लाइन के साथ साथ चलकर इसको कट करेगा तो क्या बनेगा, देखो इसके इसको टच करके कट करेगा तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बन जाएंगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। और भाई बिल्कुल इस पी, इसको आप वर्टेक्स बोल सकते हो, बिल्कुल वर्टेक्स के ऊपर कट करेगा तो पॉइंट बन जाएगा, मतलब यहाँ पर प्लेन ऐसे कट कर दो, इसमें दो टुकड़े हो जाएंगे तो ऊपर वाला सरफेस एक पॉइंट ही तो बन जाएगा, क्योंकि पॉइंट ही तो है यहाँ पर, बिल्कुल यहाँ से कट करें अगर इसको हम, दो टुकड़े हो जाएंगे और दोनों के ऊपर जो सतह होगी वो एक पॉइंट बन जाएगा, ऐसे एक पॉइंट बन जाएगा तो वो बन जाएगा पॉइंट्स, ठीक है ना। तो जनरली हम केवल ये दो केस नहीं करेंगे, ये पाँच केस हम करेंगे, इन पाँच केस के बारे में पढ़ेंगे। ये केस जो है सिक्स और सेवन्थ केस, ये डीजनरेट केस ऑफ, इस डीजनरेट केस ऑफ कोनिक बोले जाते हैं, डीजनरेट केस, इसके डीजनरेट केस, ठीक है ना, जनरेटर लाइन का रोल ख़त्म हो जाता है इनमें, तो ये केस हम नहीं पढ़ेंगे अपने चैप्टर में,
ये केवल केस पढ़ेंगे, सर्कल हम पढ़ चुके, इलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे, हाइपरबोला पढ़ेंगे, यानी कि तीन केस पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। केवल तीन केस पढ़ने हमने, ये केस नहीं पढ़ेंगे फिफ्थ और सिक्स, ये फिफ्थ केस हो गया, सिक्स केस हो गया। सर्कल हम पढ़ चुके, इलिप्स पढ़ेंगे, पैराबोला पढ़ेंगे और हाइपरबोला पढ़ेंगे डिटेल से। तो पढ़ते बेटा पैराबोला के बारे में सबसे पहले, तो इसकी डेफिनेशन है लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज से ऑलवेज इक्वल एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। यानी कि एक पॉइंट का लोकस, एक पॉइंट का रास्ता, जो रास्ता बनाते समय एक कंडीशन को फॉलो करता है और वो कंडीशन है कि वो कहीं पर भी चला जाए, उसकी डिस्टेंस एक फिक्स पॉइंट से और एक फिक्स स्ट्रेट लाइन से हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। जैसे कि ये वो पॉइंट है मूविंग पॉइंट, जैसे देखो मूविंग पॉइंट है तो ऐसे चलेगा, इस तरीके से ऐसे जंप लगा कर नहीं चलेगा, वो इस तरीके से चलेगा कंटिन्यूसली, ठीक है ना, ऐसे कंटिन्यूसली चलेगा, डिसकंटिन्यूस वे में नहीं चलेगा, ऐसे जंप लगा कर। तो पॉइंट ऐसे चलता है हमेशा, ठीक है ना, जंप नहीं लगाता वो। तो इस तरीके से चलने से जो उसका रास्ता बनेगा, जैसे ये इस तरीके से चला है, तो इस तरीके से चलने से जो रास्ता बना इसका, लोकस बना, उस लोकस को क्या बोला जाता है, पैराबोला। लेकिन ये नहीं है कि भाई आप कैसे भी उस पॉइंट को मूव करवाएं, उस पॉइंट को मूव करवाते समय कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है, वो कंडीशन है कि उसकी जो डिस्टेंस है एक फिक्स पॉइंट से, ये वो फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट, और ये वो फिक्स स्ट्रेट लाइन है, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फिक्स्ड लाइन लिख देता हूं मैं केवल। मतलब खाली पैराबोला क्या होता है, पैराबोला एक लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट होता है, यानी कि एक मूव करने वाले पॉइंट का लोकस, एक पॉइंट को मूव करवाओ आप ऐसे इस तरीके से बोर्ड पर, ठीक है ना। तो अभी बताया मैंने जंप लगाकर नहीं मूव करेगा, वो ऐसे कंटिन्यूसली चलेगा, ठीक है ना, कहीं पर जंप नहीं लगेगा, डिसकंटिन्यूस नहीं बनेगी बात, तो कंटिन्यूसली चलेगा वो। और इस तरीके से चलने से जो ये रास्ता बन जाएगा, ये क्या कहलाएगा, कॉनिक, सॉरी ये क्या कहलाएगा, पैराबोला। लेकिन मुंह करने की एक कंडीशन है कि मुंह कैसे करवाना है पॉइंट को, इस पॉइंट को मुंह ऐसे करवाना है, जैसे मान लो पॉइंट यहाँ पर है, ये P1 पॉइंट यहाँ पर है, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगी। मान लो ये डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर, तो ये भी डिस्टेंस क्या है, 4 सेंटीमीटर। और यहाँ पर डिस्टेंस मान लो ये पॉइंट यहाँ पर आ गया, मुंह करता करता यहाँ से चला यहाँ तक आ गया, ये डिस्टेंस अगर 3 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी क्या होगी, 3 सेंटीमीटर। अगर मुंह करता करता यहाँ आ गया ये, तो ये डिस्टेंस अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर। अगर मुंह करता करता यहाँ पर आ गया ये, तो ये डिस्टेंस अगर 7 सेंटीमीटर है तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, ये भी क्या हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब डेफिनेशन को आप समझ लीजिए, डेफिनेशन में मैंने जो यूज़ किया है, ऑलवेज इक्वल एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज इक्वल का मीनिंग मेरा ये नहीं है कि एक बार 4 सेंटीमीटर इसकी डिस्टेंस होगी दोनों से, स्ट्रेट लाइन से भी पॉइंट से भी, तो कहीं पर भी जाए 4 सेंटीमीटर ही रहेगी, ऐसा नहीं है बेटा, ठीक है ना। कम हो सकती है, लेकिन कम, इससे कम हो सकती है, लेकिन क्या होगा, उस पॉइंट पर आप खड़े हो जहाँ से आप डिस्टेंस मापने लग रहे हो फिक्स पॉइंट की, स्ट्रेट लाइन की, तो वहाँ पर फिर से सेम हो जाएगी।
यहाँ से डिस्टेंस अगर तीन है तो यहाँ से भी तीन ही आएगी, यहाँ से दो है तो यहाँ से भी दो ही रहेगी। आगे आप बढ़ोगे तो वो डिस्टेंस कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर ये डिस्टेंस अगर मान लो 10 सेंटीमीटर है इस फिक्स पॉइंट से, इस मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस ये है मूविंग पॉइंट, तो ये है मूविंग पॉइंट, जैसे P1 है, P2 है, P3, P4, P5, तो ये P5 क्या मूविंग पॉइंट, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भी कितनी होगी 10 सेंटीमीटर बदल जाएगी। ये नहीं कि एक बार जितनी डिस्टेंस होगी स्ट्रेट लाइन से फिक्स्ड पॉइंट से उतनी डिस्टेंस रहेगी, बदलेगी, लेकिन जिस पोजीशन पर आप खड़े हो वो पोजीशन फिक्स्ड पॉइंट से और स्ट्रेट लाइन से इक्विडिस्टेंट होगी। बस इस तरीके से आप फॉलो करके उस पॉइंट को मूव करवाएंगे, चलाएंगे उसको, तो ऐसे चलाने से जो रास्ता बनेगा वही क्या कहलाएगा बेटा, पैराबोला। तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पैराबोला। लोकस ऑफ ए मूविंग पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट ऑलवेज इक्वल एज इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अब जो डेफिनेशन में मैंने बेटा यूज किए हैं वर्ड, इनको कीवर्ड्स बोल सकते हो आप, कीवर्ड्स, जैसे कि फिक्स पॉइंट मैंने यूज किया, उसके बाद मैंने यूज किया फिक्स स्ट्रेट लाइन, खास तौर पर ये मैंने दो वर्ड यूज किए यहाँ पर। तो जो फिक्स पॉइंट है उसको बोलते हैं फोकस, ये बेटा फोकस ऑफ ए पैराबोला। और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन है, ये है फिक्स स्ट्रेट लाइन, ये होती है डायरेक्ट्रिक्स, इसको बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। और ये जो फिक्स पॉइंट है ये बोला जाता है फोकस। ध्यान से देखिए, जो मैंने डेफिनेशन में फिक्स पॉइंट का यूज किया वो फिक्स पॉइंट कौन है, फोकस। और जो फिक्स स्ट्रेट लाइन का नाम लिया मैंने जो डेफिनेशन में, वो फिक्स स्ट्रेट लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स। और एक होती है फिर एक्सिस। तो एक्सिस क्या होती है, एक्सिस होती है, ये होती है एक्सिस जो पैराबोला को कट करती है और साथ में फोकस से पास होती है और डायरेक्ट्रिक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। डायरेक्ट्रिक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, डायरेक्ट्रिक्स पर फोकस से पास होती है और पैराबोला को कट करती है, तो इसको बोलते हैं बेटा एक्सिस, एक्सिस ऑफ पैराबोला। और जहाँ पर पैराबोला को कट करती है, ये जहाँ पर पैराबोला को कट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है वर्टेक्स। जहाँ पर पैराबोला को कट किया इसने उस पॉइंट को बोला जाएगा वर्टेक्स, ठीक है ना। तो ये वर्टेक्स हो गया, ये फोकस हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और ये जो है बेटा, जहाँ पर अपनी एक्सिस और डायरेक्ट्रिक्स मीट करती हैं, मिलती हैं आपस में, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है और ये होता है फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं इसको, ठीक है ना। ये फुट हो गया, देखो इसका यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल हो गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बोला जाता है इसको। और इस फोकस से जो लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाकर बढ़ती है, फोकस पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर जो पैराबोला को कट करने वाली लाइन होती है, मतलब एक किस्म से इसकी कोर्ड हो गई ये पैराबोला की, ठीक है ना, जैसे सर्कल की कोर्ड होती है, तो ये जो लाइन है ये कहलाएगी लेटस रेक्टम। ये लाइन होती है बच्चों लेटस रेक्टम, ठीक है ना, इस लाइन को बोला जाता है लेटस रेक्टम। और ये जो पॉइंट होते हैं बच्चों, ये पॉइंट जहाँ पर ये पैराबोला को कट करती है, ये बोली जाती है एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम, एंड पॉइंट ऑफ ऑफ लेटस रेक्टम, LR लिख दिया मैंने, या फिर बोल सकते हो एक्सट्रीमिटीज, एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम।
इन पॉइंट्स को आप एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम बोल सकते हैं या फिर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम बोल सकते हो। एक बार रिवाइज करवा देता हूँ मैं, देखो ये मूविंग पॉइंट हो गया, ठीक है ना, और ये फिक्स पॉइंट हो गया जिसको फोकस बोलते हैं हम, जहाँ से डिस्टेंस मापते हैं मूविंग पॉइंट की, और ये डायरेक्ट्रिक्स होगी जो फिक्स लाइन थी इसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और एक्सिस क्या होती है जो डायरेक्ट्रिक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए फोकस से पास होती है। ऐसी लाइन जो फोकस से पास होती है डायरेक्ट्रिक्स पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला, और जहाँ पर वो पैराबोला को कट करती है उस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स, और जहाँ पर वो डायरेक्ट्रिक्स को कट करती 90 डिग्री का एंगल बनाती है उसको बोलते हैं फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। और जो लाइन फोकस से पास होकर एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है ये एक्सिस है पैराबोला की, और ये लाइन जो ब्लैक वाली है ये फोकस से पास होकर एक्सिस पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो ये बोली जाती है लेटस रेक्टम। और लेटस रेक्टम जहाँ पर पैराबोला को कट करता है वो पॉइंट बोले जाते हैं एक्सट्रीमिटीज ऑफ लेटस रेक्टम या फिर एंड पॉइंट ऑफ लेटस रेक्टम। तो कल फिर कंटिन्यू करते हैं बेटा, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना।